कोरोना वायरस का कहर अब इंसानों में नहीं बेजुबान जानवरों पर भी पड़ने लगा है। देश भर में हुए लॉकडाउन के बाद लोग जहां घरों में कैद हो गए, वहीं बेजुबान जानवरों को खाना मिलना बंद हो गया। अब ऐसे हालात में बेजुबान जानवर भूख से तड़प कर आए दिन मर रहे हैं। कोरोना संक्रमण के खौफ के बीच हुए लॉकडाउन के साथ ही पिछले दिनों से देश भर हर जगह सन्नाटा नजर आ रहा है। लोग घरों में कैद हैं, ऐसे में इन बंदरों को कुछ खाने को नहीं मिल रहा। नारायणी माता, पारासर व ऋषि, अजबगढ़, भानगढ़, सरसा माता सहित दर्जनों धार्मिक स्थलों पर यात्रियों के अलावा कुछ धार्मिक प्रवृत्ति के लोग भी सप्ताह में एक या दो बंदरों को चना खिलाने जाते थे, मगर अब वह घरों में लॉक है। ऐसे में लॉकडाउन के बीच बंदरों को खाने के लिए कुछ नहीं मिल पाया। स्थानीय लोगों ने बताया कि बंदरों की हालत भी काफी खराब है, वे काफी दयनीय हालत में है। बंदरों की दयनीय हालत को देखते हुए उन्हें युवा टीम द्वारा केले वितरण किए गए। इस दौरान विष्णु राजपूत, सिकंदरा नंदू, योगेंद्र, वे आपको बता दें योगेश, सुशील, सोनू, महेंद्र, रोशन, दुलीचंद, नरेंद्र आदि मौजूद रहे। और आप देख सकते हैं बेजुबा जानवरों को केले डालने के लिए युवा टीम आई हुई है और बंदरों को केले डाले जा रहे हैं। यहाँ कई लोग देखने के लिए आते हैं, भानगढ़ का किला दर्शन करने के लिए आते हैं, लेकिन वो बहुत कम लोग होते हैं जो बेजुबा जानवरों के बारे में सोचते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ चारों ओर बंदर देखने को मिल सकते हैं, भारी संख्या में बंदर हैं, लेकिन ये बंदर कई बार तो पानी और भूख के कारण भी तड़प तड़प के मर जाते हैं, क्योंकि इनको ना तो खाने डालने वाला कोई होता है, ना पानी के लिए कोई होता है। लॉकडाउन में जहां व्यापारी और आम लोगों की स्थिति खराब दिख रही है, वहीं बेजुबा जानवरों पर भी इसका असर देखने को साफ मिल रहा है। युवा टीम बंदरों को केले डालने के लिए आई हुई है और इस तरीके का जो काम है बहुत सराहनीय काम है, क्योंकि ये बेजुबा जानवर है और इन वक्त हम सरसा माता के मौजूद हैं और आप देख सकते हैं किस तरीके बंदरों को केले खिला रहे हैं। यहाँ से जो लोग हैं, युवा टीम है, जो बंदरों को अपने निजी खर्चे से केले लाकर बंदरों को बांटते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि लॉकडाउन लगने के कारण आमजन तो परेशान हुआ ही है, साथ ही रोज़गार में भी इसका काफ़ी असर देखने को मिला है, लेकिन ये जो बंदर हैं ये नहीं बता सकते कि हमें भूख लग रही है, प्यास लग रही है। लेकिन आपको ये बता दें कि कई ऐसे लोग होते हैं जो इनकी भावनाओं को समझते हैं। ये जो युवा टीम है, ये बंदरों के लिए केले लेकर आई थी और बंदरों को केले बांटे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके के बंदरों को केले बांटे जा रहे हैं। सारी युवा टीम से एक बार मैं कहना चाहूँगा, एक बार मेरे पीछे आए और ये कितने यहाँ केले लेके आए हैं और बंदरों को केले बांट रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विष्णु सिंह राजपूत है। विष्णु जी, कितने केले लेके आए हो और कैसे आपके दिमाग में विचार आया कि बंदरों को केले खिलाने चाहिए? हमारे दिमाग में विचार आया कि सभी इस समय कोरोना चल रहा है और सभी परेशान हैं और हमने सोचा कि सभी तीर्थ स्थल बंद हैं, इसलिए हमने हमारे निजी खर्चे से बंदरों के लिए 2 क्विंटल केले लाने की व्यवस्था की गई। आप देख सकते हैं बंदरों के लिए 2 क्विंटल केले लेके आए हैं और ये ऐसे प्राणी हैं गर्मी में, धूप में, कहीं तो इनको प्यास से मर जाते हैं, भूख से मर जाते हैं, लेकिन सरकार हर संभव मदद करती है, लेकिन जानवरों के लिए ना तो कोई बजट पास होता है, ना ही ऐसे धार्मिक स्थल बंद होने के बाद में भी बंदरों के लिए खाना पाने की कोई व्यवस्था हो पाती है।